छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे पट्टा वितरण अभियान ने न सिर्फ धर्मनगरी डोंगरगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है, क्योंकि 15 वर्षों से सत्ता में रही भाजपा सरकार ने जो काम 15 वर्षों में नहीं किया और ना उस दिशा में कोई पहल की, उस कार्य को प्रदेश कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक साल में कर दिखाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके पूर्व 1984 में पट्टा वितरण किया गया था, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से पट्टा वितरण कर गरीबों को उनका अधिकार दिया गया था। 1984 के बाद पुनः 2018 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के मात्र एक साल बाद 2019 में फिर से गरीबों को उनका हक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी गई है और शासकीय नजूल भूमि में वर्षों से काबिज कब्जाधारियों को सीधे 30 साल का स्थायी पट्टा देने एवं स्थायी पट्टा वाली जमीनों में काबिज कब्जाधारियों के पट्टे का नवीनीकरण कर रजिस्ट्री करके देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसी प्रक्रिया के तहत धर्म नगरी डोंगरगढ़ में भी पट्टा वितरण के लिए सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। इस मौके पर विधायक के साथ राजस्व विभाग से पटवारी जांगड़े, RI अशोक साहू, नगर पालिका से दौलत मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे। 1000 अरे यार, ये फंस गया यार। ये 0 सबसे पहले तो आपको क्या कुछ हो रहा इस चुनाव में? राजमन बेंजाम, मैं सबसे पहले क्षेत्र की जनता को 16,000 को बहुत बहुत बधाई नोटा को मिले हैं। कुल इन्होंने लगातार 5,738 जताया, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। और जिन मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार जनता के पास गए, उन मुद्दों पे हम आपको काम करना है। चित्रकूट की जनता ने नया विधायक दिया, हमारा विधायक 4 साल तक काम करेगा और साथ में सांसद भी हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और हर मुद्दों को लेकर सरकार भी है, उन मुद्दों को निश्चित रूप से जनता के बीच में जाकर पूरा करेंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई मेरे चित्रकूट की जनता को। इसके अलावा जो कल्पना कर रही थी कांग्रेस की भाजपा मुक्त बस्तर होगा, क्या लगता है कि सफल हुए, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार? हाँ, निश्चित रूप से बस्तर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का टारगेट था कि भाजपा मुक्त बस्तर बनाएंगे। उसी के तहत हमारी कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की, आज उस टारगेट हम लोगों ने पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त बस्तर या भारत का सपना देख रही थी, लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर दो क्षेत्रों से हम लोगों ने भाजपा मुक्त बस्तर का नारा दिया और उस पर हम लोग सफल भी हुए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है और भारतीय जनता पार्टी अभी 4 साल तक, मैं तो समझता हूँ कि ये आश्रमों में चले जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि बस्तर की जनता, चित्रकूट की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास इन्होंने जताया है। भाजपा कह रही थी कि सरकार के उसमें चुनाव कहीं पे भी सत्ता के दम पर चुनाव नहीं लड़े हैं। आप देखे होंगे चित्रकूट में चुनिंदे हमारे सेलेक्टेड विधायकों की हमने ड्यूटी लगाया और बस्तर के विधायक ही हमारे लिए यहाँ पे काम किए, तो हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक मेहनत करके काम किए, कहीं पे सत्ता पे बल पे कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पे जा रही है, इन्होंने दंतेवाड़ा हारे तो आरोप लगाए, इन्होंने चित्रकूट तो हार नहीं था तो भी आरोप लगा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी किसी ही बिल्ली खंभा नोचे का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस बस्तर में मजबूत है और आने वाला समय में और मजबूत होंगे, क्योंकि इस समय सरकार हमारी भी है और उसके बाद 12 के 12 सीट आप जीत के आए, तो निश्चित रूप से जनता के हित में पूरे विधायक और सांसद मिलकर काम करेंगे और बस्तर में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। इस चुनाव में एक कयास लगाया जाता है कि एक में तो धान कटाई का सीजन भी पहुँच चुका है, तो किसान मजदूर अपने खेतों में चले गए, तो इसका भी असर देखने को मिला और वोटिंग परसेंट होने कम होने के बावजूद भी कांग्रेस अच्छे लीड की ओर बढ़ रही है, अच्छा बहुमत की ओर बढ़ रही है, फिर भी मतदाताओं में उत्साह और बढ़िया एक मतलब अच्छा माहौल दिखा कांग्रेस के पक्ष में। आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस अच्छे लीड और बड़ी लीड की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से चित्रकूट विधानसभा के उपचुनाव तो कांग्रेस का जीतना लगभग तय था और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ चित्रकूट की जनता और वहाँ के मतदाताओं को, जिन्होंने लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया। और सीधा सीधा ये है कि सरकार इस समय कांग्रेस की है और सांसद भी कांग्रेस के, तो निश्चित रूप से चित्रकूट की विकास के लिए रहा हमारी आसान हुई और चित्रकूट की विकास और जनता के लिए विकास करेंगे। और जो भी जिस मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में गए, उन मुद्दों को इस 4 साल के अंदर सरकार में रहते और जनता के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करेंगे।
मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कंबोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।